हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास सिक्स के लिए बॉडी बॉडी मूवमेंट चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बना के रखा है बच्चों। यू कैन सी दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन। सो वी नो दैट हाउ हम लोग के शरीर में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि बोन्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड हैं, ये सभी सारी चीजें हमारे शरीर में पाई जाती है। ओके बच्चों, तो बॉडी मूवमेंट में हमें सबसे पहले बोन्स के बारे में जानना होगा कि हमारे शरीर में कितने बोन्स होते हैं। जब कोई भी ह्यूमन जो है जन्म लेता है तो उसका 300 बोन्स होता है, लेकिन फिर क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे वो बोन्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एट लास्ट जब एडल्ट होने तक पहुंचता है तो वो 206 बोन्स उसके शरीर में पाया जाता है। उसे हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ह्यूमन स्केलेटन को बिल्कुल अच्छी तरह आसानी से समझ पाएंगे इस वीडियो के मदद से। सबसे पहले बच्चों हम लोग ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन को समझेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन जो है हमारे शरीर को एक फ्रेमवर्क देने का, एक ढांचा देने का काम करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द शेप टू आवर बॉडी, एक आकार देने का काम करता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को सहारा देने का काम करता है। एज वेल एज इट कीप द बॉडी अपराइट, ये शरीर को सीधा रखने में भी मदद करता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो प्रोवाइड द मूवमेंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, भिन्न भिन्न शरीर के जितने भाग होते हैं उसके मूवमेंट करने में मदद करता है। Moreover, बच्चों ये जो है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। डेलिकेट ऑर्गन मीन्स नाजुक अंग, जैसे कि ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सबको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है ह्यूमन स्केलेटन। नॉट ओनली दैट बच्चों, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि जो ब्लड सेल्स बनते हैं वो बोन के ही अंदर में बनते हैं। कहां पे बनते हैं बच्चों? बोन्स फिल्ड विद ब्लड विद ए स्पॉन्जी मास कॉल्ड बोन मैरो, उसे बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। जो बोन के अंदर में स्पॉन्जी मास हॉलो स्पेस होता है और उसमें जो जगह होता है उसी के अंदर में जो है उसे बोन मैरो के नाम से जाना जाता है, वहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों जान रहे हो कि ब्लड का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। इवन ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो बोन्स के अंदर में ही होता है। तो ह्यूमन स्केलेटन के इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। अभी ह्यूमन स्केलेटन हम लोग आसानी से समझेंगे। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रा करके रखा है और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 4 पार्ट्स को डिवाइड करके रखा है जिसमें कि अलग अलग कलर से मैंने बताया। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे स्कल है, दूसरा हो गया रिब केज, तीसरा स्पाइन है और चौथा लिम्ब है। ठीक है, तो स्कल जो होता है ये चपटे हड्डियों से बना हुआ रहता है, फ्लैट होता है और इसमें फेस बोन बोन भी आते हैं। इसका काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद बच्चों हमारा रिब केज है। तो रिब केज का मतलब हम लोग जानते हैं पिंजरा, रिब मतलब इसे पसली बोला जाता है। इसकी जो हड्डियां होती है बच्चों ये कैसी होती है, तो फ्लैट थीन और कर्व होती है ना, चपटी पतली और मुड़ी हुई होती है जो कि एक पिंजरे का आकार बनाती है। इसके अंदर में लीवर, किडनी, लीवर हो गया हमारा, गॉल ब्लैडर हो गया, हार्ट हो गया, ये सब जो है प्रोटेक्टेड रहता है, हॉलो रहता है, ऊपर से ऐसे चपटा हड्डी। ये 12 पेयर में होता है, इसमें जो है 12 पेयर होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारा स्पाइन यानी कि बैकबोन, ये पीछे से जो है जो पीठ का जो रीढ़ का हड्डी जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें 33 रिंग टाइप बोन्स होता है जो कि गोल गोल होता है ना, और ये जो है वर्टिब्रा के नाम से भी जाना जाता है, वर्टिब्रल कॉलम इसे कहते हैं। बच्चों दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, एक जो होता है जिसमें कि बैकबोन होता है यानी कि रीढ़ का हड्डी होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्टिब्रेट्स, है ना, और जिसको रीढ़ का हड्डी नहीं होता उसको इन वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे वॉर्म्स हो गए, जैसे अर्थ वॉर्म है,
और भी वॉर्म्स हैं जिनमें कि रीड कार्ड ही नहीं होता है, स्नेल बिगर हो गया, ये सब रीड कार्ड ही नहीं होता है, तो उसे हम लोग इन वर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितने हड्डियां होती है बच्चों, इसमें 33 हड्डी होते हैं, है ना। और इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि लिम्ब, तो लिम्ब किसे कहते हैं, जो हाथ और पैर हम लोगों का है, हाथ और पैर, इसे हम लोग लिम्ब के नाम से जानते हैं। तो दो लिम्ब होता है, जो हाथ होता है उसे हम लोग फोर लिम्ब के नाम से जानते हैं और पैर जो होता है उसको हिंड लिम्ब के नाम से जानते हैं। तो फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब जो है ये इसके कितने हड्डियां इसके अंदर में पाई जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये चार पार्ट्स को हम लोग याद रखेंगे दिमाग में कि स्कल है, रिब केज है, स्पाइन है और लिम्ब्स है। अब इसके जो पार्ट्स आते हैं उसे हम लोगों को समझना है। तो स्कल की हड्डियां जो है ऊपर के सारे फेस बोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक और बोन्स होता है जिसको कि लोअर जा के नाम से जानते हैं, यानी कि नीचे वाला जबड़ा जो कि मूवेबल होता है। ऊपर वाले हड्डियां जो है मूव नहीं करती है, लेकिन ये नीचे वाली हड्डी जो है ये मूव करती है, इसमें गति होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद रिब के जो होते हैं इसमें 12 पेयर होते हैं, लेकिन एक पेयर जो एक जोड़ा जो होता है बोन उसे फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, जो कि कहीं जुड़ा हुआ नहीं होता है, बाकी जो है राउंड होके जुड़े हुए रहते हैं जिसमें कि अंदर हॉलो स्पेस बनाता है, जिसे फ्लोटिंग रिब कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि फॉरलिम्ब, तो फॉरलिम्ब में हमारा जो है फॉरलिम्ब में ऊपर वाले में एक हड्डी और नीचे वाले में दो हड्डी होती है। तो ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस के नाम से जानते हैं, और जो नीचे यहाँ पर जो दो हड्डियां हैं इसे रेडियस और अल्ना के नाम से जानते हैं। ये हड्डी रेडियस हो गया और ये हड्डी अल्ना हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो सॉकेट ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये यहाँ पे जो कि हमारे रिस्ट के पास होता है, ये जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं पेल्विस, है ना। पेल्विस जो होता है बच्चों, पेल्विस या हिप बोन भी इसे बोला जाता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, ये शरीर का सबसे मजबूत बोन होता है, है ना। और इससे जुड़ा हुआ रहता है हिंड बोन्स, हिंड बोन इसमें सॉकेट ऐसा रहता है जो कि फिट रहता है। तो इसमें जो है कितने बोन होते हैं, हिंड रिब, इसमें जो है हिंड रिब में एक बोन ऊपर में और दो बोन नीचे में होता है हिंड रिब में। तो ऊपर में जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, जैसे कि फेमर, फेमर के नाम से जानते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है, शरीर का सबसे लंबा बोन होता है, ठीक है। और नीचे वाले में दो बोन होता है, टीबिया और फिबुला। इसमें कितना बोन होता है, टीबिया और फिबुला। तो इसे बच्चों ये चार पार्ट में डिवाइड करके आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना, इस वीडियो में हम लोगों ने जो बॉडी मूवमेंट में ह्यूमन स्केलेटन का क्या रोल है, उसमें फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन हम लोगों ने देखा, और उसके बाद कितने पार्ट्स होते हैं ह्यूमन स्केलेटन के और वो सभी पार्ट्स का क्या क्या नाम है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द जॉइंट्स, क्योंकि जितने भी ये जो स्केलेटन होते हैं तो उसमें सब जगह जगह पे जॉइंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उसी के कारण जो है मूवमेंट हमारा हो पाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे मूवमेंट होता है। सो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, गो थ्रू दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। ओके।